अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। टुडे इन दिस फर्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक व्हिच इज द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई थिंक यू ऑल शुड हैव एन आइडिया ऑफ ऑर्गन सिस्टम, व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम। बट मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो अबाउट इट एज यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस, बट लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वन, a whole body is made up of a lot of cells which are basically the basic building block of a body. Then same type of cells make up a tissue, and several tissues working together make up an organ. Like heart is an example of organ, liver, lungs, intestines, these all are the example of organs. Then several organs working together to perform the same function make up an organ system. For example, digestive system. In digestive system, there are many organs involved in the processing of food, like a mouth, intestines, esophagus, teeth. All these organs make up the digestive system. Then there are many organ systems in our body, like circulatory system, skeletal system, nervous system. All these organs make up the whole human body. Now, in this chapter, you're going to study about two organ systems. First one, the nervous system, in which we'll study about the functions of brain, spinal cord and nerves. And second one, excretory system, in which we'll study about kidneys and their role in excretion of waste materials from our body. Also, you'll study about kidney problems, what are the kidney problems and the treatments in detail. Now, come to the main topic, which is topic 1.1, nervous system. Actually, what is nervous system and how is it playing a very important role in the body? Let's start with an example. Suppose आप चल रहे हो, चलते चलते आपके पाँव में कुछ चुभ गया है, suppose कुछ छोटी सी इंजरी हो गई है, आप पेन सेंस करोगे फौरन से, और आपका हाथ जो होगा फौरन पाँव तक जाएगा, आप सेंस कर दोगे, मजीद ये कोशिश करोगे देखने की कि क्या हुआ है, क्यों पेन हुई है, दिस एंड दैट एवरीथिंग आप एग्जामिन करोगे अपने हैंड के थ्रू। तो एक्चुअली किसने हैंड को कहा कि फुट तक रीच करने को, टच करने को, मजीद सेंस करने को? और एक्चुअली इस सब के पीछे सिर्फ एक ये हैंड के पाँव तक जाने के पीछे पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, जो है नर्वस सिस्टम। मैसेज जब आपने फौरन पेन सेंस की, आपके ब्रेन तक मैसेज किया पाँव से, जो किसके थ्रू किया, नर्व्स के थ्रू, और देन आपके ब्रेन ने मैसेज दिया हैंड को कि फौरन पाँव तक रीच करने को, और वो किसके थ्रू किया, मैसेज किसके थ्रू दिया, नर्व्स के थ्रू। सी दैट इज हाउ नर्वस सिस्टम इज प्लेइंग इट्स रोल इन एवरी बॉडी फंक्शन। व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट वन, इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। जैसा हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि कैसे ब्रेन ने हैंड को मैसेज दिया और पाँव से ब्रेन की तरफ मैसेज गया भी, कि अभी आता भी है और जाता भी है, जहां जिस मैसेज की जरूरत होती है, जो जो इम्पोर्टेंट टास्क करने की जरूरत होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है नर्वस सिस्टम का। एंड द सेकेंड वन, इट कॉर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन? हियर ऑल्सो इट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, बट नोटिस how nervous system is playing its role in very small task in our daily life and we didn't ever notice it. Suppose आप कुछ खा रहे हो, आपने अभी तो कुछ खाया भी नहीं होता कि आपके sense of smell के through आप सिर्फ food को smell करते हो और आपका brain फिर assume करता है कि खाना अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, delicious लग रहा है, अच्छा होगा कि नहीं होगा। Then आप खाते हो, मुँह में जाता है food, वहां पे आपकी टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो वर्क करते हैं, और फिर खाने को ब्रेन अज्यूम करता है उन टेस्ट बर्ड्स के थ्रू कि खाना स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है, या आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपके टेस्ट बर्ड्स के, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली। देन फिर खाना अंदर जाता है आपके स्टमक में, वहां पे जब खाना अंदर जाता है तो ब्रेन लिवर को मैसेज देता है दैट इट इज द राइट टाइम टू सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस, which is the task of liver, and these digestive juices help in the further digestion of food. So see, that is how nervous system is coordinating all body functions in our body, every task in our body. Next, human nervous system actually consists of central nervous system, also called CNS, and peripheral nervous system, also called PNS. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन
and the spinal cord only. And peripheral nervous system consists of the whole network of nerves spread all over all of our body. The main task of peripheral nervous system is to connect CNS, which is brain, and the spinal cord to all parts of our body. And see, that is how our whole body is connected to the brain. Also, one thing, our whole nerve, every nerve is connected directly to either the brain or the spinal cord. Now students, this is the diagram of human nervous system. This diagram is clearly drawn in your book at page number 2, figure 1.1, human nervous system. Here, it is the brain, and the line which is in the middle of the body is the spinal cord, and these two things make up the central nervous system. Now, the red lines which are spread all over the body, whether in hands or feet or legs or back, these are the nerves, and they are the whole network of nerves which are spread all of our body. These network of nerves make up the peripheral nervous system, and notice every nerve is connected directly to the spinal cord or the brain. And that is how our brain is able to send the messages to all parts of our body. Now students, come to the next topic, which is neuron or nerve cell. What is neuron or nerve cell? Neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. अब यहाँ पे जब हम neuron की बात करते हैं तो दो चीजें, एक तो structural, दूसरी functional. अब neuron structural unit कैसे nervous system का? कि nervous system में जो भी parts included हैं, वो सब जो भी हैं न्यूरॉन से मिलकर बने. और एक चीज याद रखें, नर्वस सिस्टम में सिर्फ तीन चीजें इंक्लूडेड है, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व्स, बेसिकली नर्व्स. तो चाहे ब्रेन हो, चाहे स्पाइनल कोड हो, चाहे नर्व्स हो, सब न्यूरॉन से मिलकर बनी है. फिर दूसरा फंक्शनल, कि नर्वस सिस्टम में जो भी प्रोसेसिंग होनी है, मैसेजेस जनरेट होने, कहाँ सेंड होने, कहाँ से रिसीव होने, वो सब कुछ न्यूरॉन के अंदर ही होना है. तो इसलिए एक बहुत नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या बेसिक पार्ट है ही न्यूरॉन, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली भी और फंक्शन के अकॉर्डिंगली भी. अब एक चीज और याद रखें कि नर्व सेल और नर्व एक चीज नहीं है. न्यूरॉन को ही नर्व सेल भी कहते हैं, विच मीन्स अ सिंगल सेल. जबकि हम नर्व की बात करते हैं तो इट मीन्स अ बंडल ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन. तो ये डिफरेंस याद रखना, और कभी भी नर्व सेल और नर्व को सेम कंसीडर नहीं करना, दो अलग अलग चीजें. बाकी नर्व को डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पे आते हैं नर्व इम्पल्स. कि नर्व इम्पल्स क्या होती है? जो मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं, जो न्यूरॉन्स मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में होते हैं, जो जिसको कहते हैं नर्व इम्पल्स. बेसिकली जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं. अब इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स का क्या मतलब है? यहाँ पे वेव्स की तो समझ आ रही होगी कि सिंपल जैसे वेव्स की फॉर्म में मैसेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जैसे साउंड है हमारी वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है एक से दूसरी जगह तक, वैसे यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल की वेव्स में. अब वेव्स की तो समझ आ गई, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल का क्या मतलब है? जब बात आती है वर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल की, सो एक्चुअली देयर आर टू फिनोमिनास इन्वॉल्व इन इट. फर्स्ट वन इलेक्ट्रिकल एंड द सेकेंड वन केमिकल. के जो मैसेज जनरेट होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो ट्रांसमिट होता है, जो ट्रांसमिशन होती है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक, या एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जो भी ट्रांसमिशन हो रही है नर्व्स के थ्रू, वो केमिकल्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपकी बुक में ज्यादा डिटेल नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल को लेकर, लेकिन आई थिंक आप लोग को एक रफ आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल से रिलेटेड. Now students, this is the basic structure of neuron or nerve cell. This picture is drawn in your book at page number 2. This is figure 1.2, nerve cell or neuron. Now look at the structure of neuron, look at the diagram closely. This central part is called the cell body, which consists of a nucleus and cytoplasm. Cytoplasm is basically a jelly-like structure which is present in every type of cell. Its main function is to hold all the cell organelles. Now come to the nucleus. Actually, nucleus is the part where all the working is done. Every type of processing is done in nucleus. अब मेन काम क्या होता है जो नर्वस सिस्टम में, के मैसेजेस का जनरेट होना और ट्रांसफॉर्म होना. जो मैसेज जनरेट हो रहा है, जो नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही है, वो न्यूक्लियस में जनरेट हो रही है. और किस फॉर्म में जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में. अब क्या होता है?
गौर से देखें, देयर इज अ लॉन्ग प्रोजेक्शन एट वन साइड ऑफ द सेल बॉडी विच इज कॉल्ड एक्सॉन. अब होता क्या है, यहां से नर्वे पल्स जनरेट हुई है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में. इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने अब यहां से ट्रेवल करते हुए यहां तक सेल के एंड तक जाना है, और ये जो सेंड करना है मैसेज को, सेंड मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, के सेल बॉडी से लेके सेल के एंड तक जो मैसेज सेंड कर रहा है वो एक्सॉन सेंड कर रहा है, और ये एक्सॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. अब ये चीजें याद रखें, देयर इज ऑल्सो अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द एक्सॉन, लेकिन एक्सॉन सिर्फ और सिर्फ ये बीच में जो लाइन जा रही है ये एक्सॉन है. ये जो स्ट्रक्चर ऊपर मौजूद है बेसिकली एक लिपिड्स की लेयर होती है, आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो फैट्स होते हैं इसके ऊपर, जिसको आप आगे जाके मजीद क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे फर्दर आपकी बुक में ज्यादा डिटेल नहीं है एक्सॉन के बारे, ये इस लेयर के बारे में. फिलहाल एक्सॉन ने मैसेज यहां से लिया और सेल के एंड तक सेंड कर दिया यहां तक. दिस पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन एंड देयर फंक्शन इज टू सेंड मैसेजेस टू द नर्व सेल. अब जो सेंडिंग में यहां जनरेट हुआ मैसेज, देन एक्सॉन से ट्रेवल करता हुआ एंड तक आया. अब यहां से टर्मिनल एंड्स ने इसको मैसेज को दूसरे नर्व सेल तक ट्रांसफर करना है. अब यहां पे खत्म हो गया सेंडिंग का काम एक सेल के अंदर. अब देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ प्रोजेक्शंस इमर्जिंग फ्रॉम द सेल बॉडी. दीज ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स व्हिच फंक्शन इज टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द नर्व सेल. कि जो दूसरे नर्व सेल से भी तो मैसेज आ रहा है ना, कि न्यूरॉन का सिर्फ एक काम तो नहीं है मैसेज को जनरेट करना और सेंड करना, न्यूरॉन ने तो रिसीव भी करना है मैसेज को. तो जो मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं. ये स्ट्रक्चर को, ये डेंड्राइट्स का मैसेज रिसीविंग का काम होता है डेंड्राइट्स का. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन. नाउ स्टूडेंट्स, this is your book. I am going to tell you the important lines or definitions which you need to learn from examination point of view. Take your books and open chapter number 1, page number 1, last paragraph, 1.1 nervous system, and the last three lines. There is an organ system in our body which carries messages from one part of the body to another and coordinates body functions. This system is called nervous system. Underline these lines, students. This is the definition of nervous system. Now, students, turn to page number 2. The first paragraph, human nervous system consists of central nervous system and peripheral nervous system. The central nervous system is composed of brain and spinal cord. Peripheral nervous system consists of network of nerves which connect the central nervous system to all parts of the body. Underline these lines for the objective part. Also, look at the picture of the diagram of the human nervous system, figure 1.1, which we discussed in the lecture. Next, neuron or nerve cell. First line, neuron or nerve cell is the basic structural and functional unit of the nervous system. Underline this line as it is the definition of neuron. Next, the third line. Neurons transmit messages in the form of electrochemical waves called nerve impulse. This is the definition of nerve impulse. Please underline it. Then, the last paragraph. The part of a neuron which contains nucleus and most of the cytoplasm is called cell body. Underline it. It is the definition of cell body. The fine projection of the cell body which receive messages are called dendrites. Next, a long projection of the cell body which conducts messages away from the cell body is called axon. This is the definition of axon. And the last one, terminal ends of the axon transmit the messages to the next cells. That's all for now, students. Please learn these definitions. Thank you. Allah Hafiz.